हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का, क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो गाइस, जो आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपने वो पूरे साल नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूँ, जिन भी बच्चों के पास ये पर्टिकुलर बुक है ऑलरेडी स्कूल से मिली हुई है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट जिन बच्चों को ये पर्टिकुलर बुक नहीं मिली है, तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं इसका लिंक दे दूँगी। तो इस पर्टिकुलर बुक के वो टॉपिक्स जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर बहुत सारे टॉपिक्स आप कर लेते हो तो आप काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम में स्कोर कर पाओगे गाइस। तो मैं आपको बता दूँ कि पर्टिकुलर बुक आप देख ले कि आपके पास यही सेम बुक है या कोई और बुक तो नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ कि CBSE का जो है आपका 402 कोड नंबर वाली बुक जो है IT की, क्योंकि IT के लिए भी अलग अलग कोड बने हुए हैं। तो और यहाँ पे देख सकते हो आपकी कौन कौन सी यूनिट है आपकी बुक में। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट फर्स्ट से, क्या क्या यूनिट फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे एक यूनिट होती है, उसके बहुत सारे सेशंस वगैरह होते हैं जिसमें कि हम एक एक को देखेंगे। तो गाइस, जो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि जो स्टार्टर और मेन कोर्स और जो डेजर्ट वाली जो तीन चीज़ें हैं, और ये जो तीन हमारे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हमें यूजली यूज़ करना पड़ता है, ये नहीं कि गवारों की तरह आप यूज़ नहीं करोगे, है ना। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स जिसको कि हम किसी कंपनी में यूज़ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को इस पर्टिकुलर बुक में सिखाया जाता है। तो उसी में से तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो है स्टार्टर्स, मेन कोर्स और डेजर्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और ये सारे यूनिट फर्स्ट जो है ना, बिल्कुल आपका फालतू का है, बहुत सारी चीज़ें तो एकदम फालतू की दे रखी हैं। तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फालतू का जो यूनिट फर्स्ट है उसमें पूरा ग्रामर है बस। आपको हाँ ये पता चल जाएगा कि ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तो आप बिना किसी परेशानी के बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बट अगर ग्रामर ख़राब है आपकी तो भाई बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ग्रामर से जो है दो तीन क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स बनेंगे ही, तो वो क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूँ, ये जो लॉस्ट आइटम वाला है, ठीक है, जो लॉस्ट आइटम वाला टॉपिक है, उसमें कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया है कि सपोज़ करो कि आपकी कोई बुक खो गई है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेगी गाइज। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आप और पढ़ के चले जाना, और सारे सेशंस एकदम बेकार के हैं, तो हम लोग उस पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ ही लें तो अच्छा रहेगा। ये इंस्ट्रक्शन वगैरह कोई आपसे नहीं पूछता है, ठीक है। कंप्लेन वाला टॉपिक भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक टाइम बहुत कम बचा है और ये चीज़ें जब आएंगी नहीं तो क्यों पढ़ा जाए। राइटिंग एंड रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार रिज्यूमे जो है और CV में क्या डिफरेंस है, CV किसे कहते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कर सकता है। बच्चों, अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं ज़रूर से ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी। बट क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट जान लीजिए, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर मेनली जो आपसे पूछा जाता है कि हाँ भाई, मतलब एक फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए CV का, तो वो ज़रूर आप पढ़ के जाएं, ताकि अगर एक बार बताओ, मतलब ये था कि अनएक्सपेक्टेशन वाला क्वेश्चन था बट आ गया था एक साल कि CV का फॉर्मेट लिखो, तो ये पर्टिकुलर CV का फॉर्मेट आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएँ, एग्जाम्स में बिल्कुल ना छोड़े। उसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करता है कि कवरिंग लेटर किसे कहते हैं, वो लेटर जो है उसमें आप क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हो, ठीक है। कोई भी कवरिंग लेटर का जो फॉर्मेट है वो आपको लर्न करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उससे एग्जामिनर आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। और उसके अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यूनिट सेकंड पे गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं। यूनिट सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ जो टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। फर्स्टली जो आप लोग स्टार्ट करोगे कि आखिरकार कौन कौन से टैब जो हैं एसेसिबिलिटी ऑप्शन में लगाए जा सकते हैं, स्टिकी कीज किन्हें कहते हैं और स्टिकी कीज किन लोगों के लिए होता है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके तीनों के तीनों स्टेप्स आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसी के साथ अगर बात करें फिल्टर कीज की, तो फिल्टर कीज किन्हें कहते हैं और इनके भी स्टेप्स आप लोग लर्न कर लेंगे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, टॉगल कीज किन्हें कहते हैं, इनके स्टेप्स आप लोग लर्न कर लोगे। ये नहीं कि हाँ किन्हें कहते हैं तो ये पूरा बड़ा सा लर्न करो, एक दो लाइन लर्न कर लो कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, जो ये ईजिली याद रह जाए बाद में, ठीक है। साउंड टैब में साउंड जो सेंट्री है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों के लिए होता है, तो ऑफकोर्स जो जिन लोगों को सुनाई बुनाई नहीं देता उनके लिए होता है, ठीक है। सो साउंड डिस्प्ले टैब में हाई कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं, इन सब के ऑप्शंस को कैसे अप्लाई कर सकते हो। कर्सर का ऑप्शन क्या होता है, माउस टैब में माउस कीज को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप पढ़ ले। उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कर सकता है कि सीरियल कीज किन्हें कहते हैं, तो इसके बारे में आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाए।
उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेटवर्क फंडामेंटल्स में कि P2P और ये जो हमारे दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं नेटवर्किंग के, एक होता है P2P और एक होता है क्लाइंट सर्वर, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा LAN और WAN में क्या डिफरेंस है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाता है। इंटरनेट किसे कहते हैं, तो बस हल्का सा वर्ल्ड वाइड तक याद कर लो, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा लर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि IT में हर एक क्वेश्चन एक दो मार्क्स का ही आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लर्न करें। WWW की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप लर्न के जरूर करके जाए। उसके अलावा नेटवर्किंग के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, इसके चारों के चारों एडवांटेजेस जो है आपको लर्न कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में थोड़ा सा अंदर से आप बना के भी लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आप लर्न कर सको तो आप कर लीजिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किन्हें कहते हैं, इंडिया की कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम लिखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडेम किसे कहते हैं, तो गाइस थोड़ा सा लर्न कर लो कि हाँ मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कि फोन लाइंस का, ठीक है, फोन लाइंस तक लर्न कर लेना है आपको। उसके अलावा कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें उसका टाइप ऑफ कंडक्टिविटी क्या है, इट्स मीन्स कि आपको एक टेबल लर्न कर लेनी है, ठीक है, और उसके अलावा टेबल तो आप लोग लर्न कर लोगे, और उसी के साथ आपको डायल अप किसे कहते हैं, DSL केबल इंटरनेट एक्सेस है ना, 3G बायमैक्स, तो इसके बारे में ये नहीं है कि पूरा भैया बैठ गए जी लर्न कर रहे हैं, हल्का सा एक बार पढ़ लो कि हाँ ठीक है 3G का मतलब होता है थर्ड जनरेशन, वैसे इसके आने के चांसेस बहुत कम है, तो आप ये टॉपिक स्किप भी कर सकते अगर आपके पास टाइम नहीं है। डाटा ट्रांसफ़र ऑन द इंटरनेट का भैया स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये स्टेप्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2-3-4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जरूर से ज़रूर आप करके जाइए, वरना बहुत ज़्यादा पछताएंगे, ठीक है। उसी के साथ अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं गाइस, और हम यहाँ पे अपने सेशन थर्ड को देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग किसे कहते हैं, फर्स्टली जो क्वेश्चन बताया रिसीवर तक का लर्न करना है आपको, ठीक है, की फीचर्स क्या होते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के, ये 2-3 आप लर्न कर लीजिए, उससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस ये आप पढ़ लीजिए, कौन कौन देता है तो आपको पता ही है, नॉर्मली भी आपको पता होगा, आप लोग इतना ज़्यादा बातें बनाते हो अपने दोस्तों से, फटाफट मैसेज पे मैसेज है ना, तो ये वाला आप कर लीजिए। एप्लीकेशन बेस्ड और वेब बेस्ड, कई बच्चे पूछते हैं मैम क्या दोनों को पढ़ने हैं, हमें बिल्कुल पढ़ना है। एप्लीकेशन बेस्ड और वेब बेस्ड में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, साथ में उसकी एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। क्रिएटिंग एन इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट, किस तरीके से आप गूगल अकाउंट बना सकते हो, तो गाइस आप लोग तो इतने मैच्योर हो, आप लोग बनाते भी होंगे, तो अगर नहीं पता है तो एक बार पढ़ लो क्योंकि है ना, और अगर नहीं बल्कि नहीं पता है तो एक बना भी लो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, गूगल अकाउंट के बिना बहुत सारे काम रुक जाते हैं, है ना। गूगल टॉक की अगर बात करें, गूगल टॉक वाला टॉपिक बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बकवास टॉपिक है, एग्जाम्स में भी नहीं आएगा। चैटिंग विद अ कॉन्टेक्ट गूगल टॉक, तो वो भी आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जब आप किसी से बात कर रहे हो, मान लो आप मैसेज कर रहे हो, किसी से चैटिंग कर रहे हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, ये नहीं कि हम बदतमीजी से बात करें, किस तरीके से आपको लोगों से बात करनी चाहिए, उसके ये एक व्यवहार के तरीके से कि हाँ कैसे बात करना चाहिए, वो आप लर्न कर लीजिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा चैटिंग ऑन जीमेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चैटिंग ऑन याहू भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गाइस नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार ब्लॉग क्या होते हैं, तो आप बता देना कि नॉन टेक्निकल लोगों के लिए जो बनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको ऐसे कौन से 5 वेबसाइट है जहां पर कि जाकर हम ब्लॉग को बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग को बनाने का जो आपका स्टेप है वो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कभी भी एग्जाम्स में आपके नहीं पूछा जाएगा गाइस, तो ये आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स के बारे में अगर बात करें तो केवल आपको एग्जांपल्स लर्न करने हैं कि ऑफलाइन जो है हमारे 3 के नाम बताइए। लॉन्चिंग क्यों माना कि आपको स्टेप्स लर्न करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इतनी सी भी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग का क्या मतलब है, आप सभी को पता है ऑनलाइन शॉपिंग के क्या फ़ायदे हैं, और कुछ पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट के नाम आपको लर्न करके चलने हैं, कई सारे आपको पता भी होंगे, ठीक है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, तो वो सब तो आपको ऑलरेडी पता ही है। IRCTC की फुल फॉर्म आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम का, तो आपके लिए करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंटरनेट सिक्योरिटी के जो है क्या तरीके हो सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस आप क्या क्या निभा सकते हैं, तो उसके 5
तरीके आप लोग लर्न कर लीजिए। जनरल गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए, वो आपको पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में किया गया है। ये इतने सारे जो आपको दे रखे हैं ना तरीके, उसमें से केवल आप 3 से 4 लर्न कर लीजिए, सारे लर्न करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में जब वो आएंगे केवल 1, 2, 3 ही होंगे। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहाँ पर हमारी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड का खात्मा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट थर्ड से लेकर कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको कि हमको कवर करते हुए चलना चाहिए। तो फ्रेंड यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।